सभी बच्चों का स्वागत है। लेक्चर 8 चल रहा है आपका और पार्ट 7 लेकर आए हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, आज का जो मुद्दा है वो गंगा में सहायक नदी को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा है गंगा में बाई ओर से आकर जो नदियां मिलती हैं ये। तो गंगा में बाई ओर से ठीक है, गंगा में बाई ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां ठीक है। गंगा में बाई ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के विषय में बात करेंगे ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट जो आपकी है कौन सी, रामगंगा नदी ठीक है। पहला टॉपिक डालेंगे आपका रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी के विषय में यदि हम बात करेंगे तो रामगंगा नदी क्या है आपका, ये बिजनौर में, यदि उत्तर प्रदेश में बात करेंगे बिजनौर में कालगढ़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश में कन्नौज में ये आकर किसमें, गंगा में मिल जाती है। तो पहले इसको लिपिबद्ध कर लेते हैं, उसके बाद इसका डायग्राम हम बनाएंगे ठीक है। तो साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे, यह नदी दूधा टोली, ये आपका दू यह नदी दूधा टोली ठीक है, यह नदी दूधा टोली ये कहां पड़ता है, कुमायूं मंडल ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पास कुमायूं, हिमालय से निकलकर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए ठीक है, यूपी के मैदान भाग में प्रवेश करती है, इससे पहले क्या है, पहाड़ी भाग में है प्रवेश करती है ठीक है। प्रारंभ में बिजनौर नजीबाबाद से होते हुए नजीबाबाद से होते हुए कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। इसी के पास राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, देखेंगे यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे, इसके पास राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है हेली उद्यान कब बना था, 1936 में घोषित किया गया कौन सा, हेली राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये महान जंतु वैज्ञानिक हुए हैं कौन, जिम कॉर्बेट ठीक है।
तो जिम कॉर्बेट के नाम से अब जाना जाता है, जो वर्तमान में महान जंतु वैज्ञानिक जिम कॉर्बेट के जी में जिम कॉर्बेट के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, यदि हम इसकी लोकेशन बनाएं, भाई ये क्या पड़ता है आपका, ये ऊपर का क्षेत्र पड़ता है, ये क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, और यहाँ से टर्न रहता है ये उत्तराखंड का क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ से चल जाएगा तो ये क्या नदी है, ये आपका दूधा टोली ऊपर से निकलेगी यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से जो तुम्हारा उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होते हुए, तो यहाँ से निकलेगी कुमायूं हिमालय से, ठीक है, और ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से होती हुई ऐसे, ठीक है, और ये फिर कहाँ जाएगी, ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर से एंट्री करेगी, कहाँ से, बिजनौर से एंट्री करेगी, और ये आपका ऊपर से क्या आ रही है, ऊपर से गंगा जी भी आ रही है, ठीक है, तो ऊपर से क्या है, गंगा जी में यहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में क्या पड़ता है, कन्नौज, ठीक है, तो कन्नौज में आके क्या करती है, कन्नौज में आके मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी कहाँ से, बिजनौर से, ठीक है, और उत्तराखंड में ये आपका जिम कॉर्बेट ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, इसको पूरे क्षेत्र को जंगली जानवरों के रहने के लिए क्या कर दिया जाता है, आरक्षित कर देता है, और इस जिम कॉर्बेट का ही पूर्ण नाम क्या था, हैली, कौन सा था, हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कब बना, 1936 में, ठीक है, तो ये सारी इसकी सूचना रही। यदि स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में हम बात करेंगे जो कुमायूं हिमालय क्षेत्र हैं, कहाँ से, कुमायूं हिमालय के दूधा टोली से प्रारंभ होती है, ठीक है, तो ये बात करी हमने रामगंगा की, और ये क्या रहेगी, ये आपकी गंगा नदी, ये कौन सी है, ये आपकी गंगा जी है, ये गंगा नदी है, ठीक है। अब बात करेंगे गोमती नदी के हिस्से में, तो डालेंगे गोमती नदी, ठीक है, तो गोमती नदी के हिस्से में लिखेंगे, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, तो जो पीलीभीत का क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत का क्षेत्र पड़ता है, तो पीलीभीत में पड़ती है कौन सी, फूलहर झील, कौन सी आपकी पड़ती है, झील कौन सी है, फूलहर झील पड़ती है, तो फूलहर झील से ये निकलेगी, और इसके पास में जगह पड़ती है कौन सी, माधव तांडा, तो माधव तांडा के पास फूलहर झील से निकलेगी, और लखनऊ से होते हुए जौनपुर, फिर आगे पड़ेगा गाजीपुर, तो अब जौनपुर गाजीपुर के बाद अभी गाजीपुर के पास ही क्या है, तो गाजीपुर के पास ये आपकी गंगा जी में क्या है, उधर से गंगा जी प्रवाहित हो रही है, तो गंगा जी प्रवाहित हो रही है, ये यहाँ पर
ये जो गंगा जी प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से गंगा जी प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर ये गंगा जी में मिल जाती है, ये गंगा जी है ठीक है। तो ये डायग्राम इसका बन गया और इन्हीं बातों का लिपिबद्ध कर लीजिए। यदि हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है और नवाबों की नगरी, ये नवाबों की नगरी भी है ठीक है। तो आइए इस बात को लिपिबद्ध कर लेते हैं, लिखेंगे यह नदी पीलीभीत के पास, पीलीभीत में फूलहर झील माधो तांडा के पास से निकलकर ठीक है माधो तांडा के पास से निकलकर लखनऊ जौनपुर गाजीपुर से में गाजीपुर में गंगा जी से मिल जाती है, इससे गंगा जी से मिल जाती है जिसमें लखनऊ जिसमें